हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैम डीटीएस का जेई एडवांस का पेपर। पेपर जो है आपका जेई एडवांस का केमिस्ट्री का 2021 का सेकंड पेपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो क्वेश्चन पेपर है अप टू द मार्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ठीक है, अच्छा नाउ देखो क्वेश्चन पहले अपन लोग पढ़ते हैं। आपको दे रखा है 300 केल्विन टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑन विच सॉल्यूशन द प्रेशर नीड टू बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑब्वियस है ऑस्मोसिस अपन लोग बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि भाई यहाँ पे अपन लोगों ने दो सॉल्यूशन लिए बेटा। ठीक है, एक साइड अपन लोगों ने कितना ले रखा है 0.01 मोलर टी का। ठीक है, और दूसरे साइड कितना ले रखा है पॉइंट जो है आपका 0.01 मोलर टी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इसमें जो है आपका 300 केल्विन है, टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि प्रेशर नीडेड टू बी अप्लाइड। तो प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑस्मोसिस नेट हम बात करेंगे तो ऑस्मोसिस क्या होगा बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट होगा। तो अपन लोग यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे, है ना। तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड पे अपन लोग बोलेंगे कि अपने पास दो ऑप्शन ऐसे हैं 0.01 और 0.01 मोलरिटी वाले। ठीक है, जिनमें अपन लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस निकाल लें हम लोग। ठीक है, पाई टू माइनस पाई वन ओके इज इक्वल टू व्हाट, सी टू माइनस सी वन इंटू व्हाट, आर टी। ठीक है, अब C2 माइनस C1 इंटू आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो C2 कितना है अपने पास 0.01 और C1 कितना है 0.001। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 0.0821 और 300 ओके, और पाई अपन को कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा बेटा 0.009 इंटू व्हाट, आर टी। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2217। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना मल्टीप्लाई करके, मैंने सॉल्व कर रखा है तो इसका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंसेप्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि एज्यूमिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 1560 ग्राम बेंजीन एंड 1125 क्लोरोबेंजीन using the following graph, external pressure आपको दे रखा है 1000 torr। ठीक है, अच्छा जी, अब समझो बेटा आपको पूछा जा रहा है इनमें से boiling point कौन सा होगा। temperature versus अपन लोगों ने vapor pressure का graph खींचा है और ये solution binary solution है। binary solution के लिए अपन लोग vapor pressure निकालते हैं P is equal to what, P not A x A plus P not B x B, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब अपन लोग देखें यहाँ पे कि मोल ऑफ बेंजीन कितना आ रहा है, तो मोल ऑफ बेंजीन देखो यहाँ पे मोल ऑफ बेंजीन आ रहा है 1560 ठीक है अपॉन व्हाट 78 दैट कम्स आउट टू बी 20। और मोल ऑफ टोलुइन कितना आ रहा है, मोल ऑफ टोलुइन आ रहा है आपका, मोल ऑफ टोलुइन आ रहा है 1125 ठीक है अपॉन टोलुइन का मोल और मास 2.5 दैट इज व्हाट 10 ठीक है। तो 20 और 10 की बात हो रही है यहां पे। तो अगर हम यहां पे देखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आएगा, तो वो आएगा 2/3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना आएगा, वो आएगा 1/3 ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बेटा यहां पे आगे जो है अपन लोगों को ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से रीड करो। ग्राफ में आप लोगों को जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1000 टॉर है, मतलब उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे पी की वैल्यू ठीक है
कितना आ जाए 1000 टॉर। P is equal to P not A XA plus P not B XB। तो यहाँ पे देखो P तो फिक्स हो गया आपका, P कितना है 1000 टॉर करना है अपन को, है ना। अच्छा और ये जो है आपका P not A, ठीक है, P not A मतलब P not of benzene into 2/3 plus P not of toluene, toluene है ना कि क्लोरोबेंजीन, क्या है ओके P not of क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन into 1/3 ओके ये कितना होना चाहिए, P का वैल्यू होना चाहिए आपका 1000 टॉर, कितना होना चाहिए 1000 टॉर, ठीक है। सो 1000 टॉर हो जाएगा आपका 1000 into what 2/3 and 1/3, ठीक है। चलो भाई तो P not of benzene और P not of chlorobenzene, अब आपको ढूंढना है P not of benzene और P not of toluene किस हिसाब से एडजस्ट हो ताकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 1000। तो वही टेम्परेचर आपको क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आपको टेम्परेचर चेक करना है 90 पे, तो 90 पे अगर आप चेक कर रहे हो तो 90 पे देखो, 90 पे क्लोरोबेंजीन का ग्राफ आ रहा है 200, मतलब आप 90 पे चेक करोगे तो ये आएगा 200 इंटू 1/3 और बेंजीन का कितना आ रहा है 2/3 इंटू व्हाट इंटू, यहां पे बेंजीन का आपका 1000 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये 1000 के बराबर होगा, नहीं होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, नहीं आएगा। अब अपन लोग किस पे चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आप बेंजीन का देखो बेटा, ये आ रहा है 1350 पी नॉट इंटू 2/3 प्लस यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग क्लोरोबेंजीन कितना आ रहा है 300 इंटू व्हाट 1/3। तो आप इसको देखोगे तो ये 450 आएगा और इंटू 2 दैट इज 900 प्लस 100, ठीक है, दैट इज 1000। तो आप देखोगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है बाइनरी सॉल्यूशन का, वो क्या आ रहा है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, तो यही टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गया ओके तो आई होप ये आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ दिस बाइनरी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर दिस वन, ठीक है, और यहां पे 22 mm ऑफ मर्करी, 23.4 ग्राम बेंजीन आपको दे रखा है, ठीक है, और 64.4 ग्राम टोलुइन दे रखा है। इफ टू फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, अगर दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, ठीक है। तो बेंजीन का वेपर फेस में अगर अपन लोग जानते हैं फॉर्मूला तो जानते ही हैं, वेपर फेस में जो होगा पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल, तो पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन पी टोटल, ठीक है। अब अपन लोगों को निकालना क्या है, यहां पे बेंजीन और टोलुइन के करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप देखो यहां पे बेंजीन के करस्पॉन्डिंग मोल ऑफ बेंजीन कितने आएंगे, मोल ऑफ बेंजीन आएंगे आपके पास कितना दे रखा है अपन को 23.4 अपॉन 78। आप देखोगे इसको तो 0.3 मोल आएगा बेंजीन का, ठीक है, और टोलुइन के अपन लोगों को कितने ग्राम दे रखे हैं बेटा, टोलुइन के आपको 64.4 ग्राम दे रखे हैं, तो 64.4 डिवाइडेड बाय टोलुइन का मोलर मास होगा 92, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। अच्छा तो ये 0.7 आ गया। अगर हम देखें तो यहां से अपन लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि बेंजीन का जो है मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1/3 और टोलुइन का भी मोल फ्रैक्शन कितना होगा, सॉरी 0.3 और ये आपका टोलुइन का 0.7 होगा, ठीक है। अच्छा तो अगर मुझे क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन
अब आप पी टोटल निकालोगे तो पी टोटल क्या निकालोगे, पी टोटल निकालोगे पी नॉट ऑफ बेनियन कितना दे रखा है अपन को 75 × 0.3, ठीक है, प्लस टोलुइन का कितना दे रखा है पी नॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज कितनी आएगी बेटा, ये तो बेंजीन का वेपर प्रेशर हो गया और ये टोलुइन का वेपर प्रेशर हो गया, तो अपन लोग बोलेंगे ये आपका आएगा 22.5, ठीक है, और ये कितना आएगा आपका, ओके 15.4, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 5, 4, 9, 5, 2, 7, 37.9, ठीक है 37.9। अब देखो सारा प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया, ठीक है, एट लास्ट अपन को करना क्या है, देखो y ऑफ बेंजीन निकालना है वेपर फेज का, तो वेपर फेज का अगर मोल फ्रैक्शन y कंसीडर कर रहे हैं अपन लोग, तो p नॉट कितना है भाई बेंजीन का 75, ओके मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, देखो 22.5 आ रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना आ रहा है बेटा 37.9, सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.59 के अराउंड आता है, ठीक है, तो आप जो है 0.59 इसका आंसर होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 ग्राम मोनोबेसिक एसिड है अपने पास, तो पहले तो अपन लोग यहां से क्लू निकालते हैं थोड़ा सा कि आपने 0.2 ग्राम एसिड का रिक्वायर किया है और 15.1 ml N/10 अल्कली को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो अपन लोग एसिड बेस रिएक्शन से अपन लोग क्या लिखते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है आपके पास कितना है 0.2 ग्राम, तो 0.2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन 2000, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस आपके पास है 1, ठीक है, सॉरी बेस आपने यूज करा है 15.1 ml, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम देगा तो 1/10 आपकी नॉर्मलिटी हो गई और वॉल्यूम आपका 15.1 हो गया, ठीक है, यहां से इक्विवेलेंट मास निकालोगे आप, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका 2000/15.1, ठीक है, सो ये आ गया बेटा 132.45 के अराउंड आता है, 132.45, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, तो ये इक्विवेलेंट मास आ रहा है 132.45, ओके, अब यहां पे इसको जो है इक्विवेलेंट मास जो होगा वही मोलर मास होगा उसका, ठीक है, एसिड का, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, मोनोबेसिक एसिड है, तो 132.45 आ गया। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्यूशन और आयन कहीं ना कहीं उन्होंने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को साथ में कंबाइन करके पूछा इस प्रॉब्लम में, ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ नॉन मोनोबेसिक एसिड 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कराया और डेल्टा टीएफ कितना है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है आपका, ठीक है, आप क्या लिखते हो आई इंटू केएफ इंटू एम, ठीक है, ओके, अब देखो यहां पे इस फॉर्मूले को आई डेल्टा टीएफ अपन को कितना दे रखा है 0.168, ठीक है, और आई यहां से अपन लोगों को फाइंड आउट करना है, केएफ आपको 1.86 दे रखा है, मोलरिटी को आप क्या लिख सकते हो, आप मोलरिटी को लिख सकते हो 1000 × ठीक है मास ऑफ एसिड 1 अपॉन मोलर मास ऑफ एसिड आ गया 132.45, ठीक है, अच्छा और साथ में क्या आ रहा है यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये 100 आ गया, ठीक है, जब आई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये आएगा आपके पास 1.196, ठीक है, आई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकालोगे तो आई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम HX एक एसिड ले रहे हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल से 2 आयन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, H+ + X-, ठीक है, सो यहां से क्या आएगा 1.196 हो गया, तो 1.196, ठीक है, ये आई की वैल्यू है और I is equal to क्या होगा 1 + N-1 alpha, ठीक है, तो 1 + alpha is equal to 1.196, ठीक है,
तो 1.196 कुछ ऐसा आता है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.196, मतलब आप देखोगे 19.6% के अराउंड ऑप्शन में आता है, तो 19.6% बेटा पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करा जा रहा है COCl3.XNH3, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन का, डेल्टा टीएफ इसका 0.558 है, केएफ आपको 1.86 दे रखा है, अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट H6, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो अपन लोग को फाइनली करना क्या है इसमें, अपन लोगों को यहां पे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, ठीक है। प्रॉब्लम्स को बेटा फास्ट फास्ट अपन लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है, 45 क्वेश्चंस को अपन को डिस्कस करना है, ठीक है, और एक छोटे से ज्यादा कम से कम टाइम वाले वीडियो में, ताकि जो है ज्यादा इफेक्टिवली आप देख पाओ उसको, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों को अपन लोग नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि सिर्फ पेपर का सोल्यूशन ही चाहिए अपन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आई इंटू के एफ इंटू एम है ना, आपने जो है डेल्टा टी एफ कितना आएगा, डेल्टा टी एफ आपको आ रहा है 0.558, के एफ की वैल्यू है 1.86 और मोलरिटी की वैल्यू है आपके पास 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1, तो यहां से कितना आ रहा है 5.58 अपॉन 1.86, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दैट कम्स आउट टू बी 3, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आई कितना आ गया, 3, अगर आई 3 आ गया तो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, जिस जो दो आयंस प्रोड्यूस कर सके बेटा, ठीक है, मतलब तीन आयन प्रोड्यूस कर सके एक मोल जानने पे, तो ये फॉर्मूला जो है दो Cl- प्रोड्यूस करेगा और साथ में ये वाला पार्ट, ठीक है, तो कहने का मतलब आंसर आपका फर्स्ट होगा क्योंकि इससे आपका इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है सेकंड ऑप्शन का 4, इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 आ रहा है, ठीक है, तो अपन लोगों को वांट ऑफ फैक्टर 3 चाहिए था, सो आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको देखते हैं अपन लोग। नाउ देखो यहां पे 6 नंबर की प्रॉब्लम है, आपको बोला जा रहा है कि भाई कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 31.9 mm, ओके, ये किसका प्रेशर बेटा, सॉल्यूशन का प्रेशर है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, है ना, प्योर वाटर का आपको दे रखा है 31.9 और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का 31.8 दे रखा है, ठीक है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रही है, और कैलकुलेट केएसपी पता करना है अपन को। अब देखो यहां पे ध्यान से, अपन लोग जब केएसपी के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब A2B3 जो आपको दे रखा है ये सॉलिड फेज में है, ठीक है, इसकी जो भी सॉल्युबिलिटी होगी, लेट इट बी S, इसकी सॉल्युबिलिटी है तो ये 2A+3B बनाया, ठीक है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी बेटा S है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3S, सॉरी ये अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, ठीक है, S मोल पर लीटर, एक लीटर अपन लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2S, ओके 2S, तो KSP अपन लोगों को निकालना है, तो KSP अपन लोग सॉल्युबिलिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाए उसके लिए अपन लोगों को जो डेटा है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। देखो यहां पे आपको क्या जो बोला जा रहा है, डेल्टा P बाई P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, अगर वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करें तो अपन लोग लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अगर हम लोग एक लीटर ले रहे हैं वॉल्यूम सॉल्यूशन का तो हम मान के चल रहे हैं बेटा कि एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वहां पे डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की 1 g/mL के अप्रोक्सी ही रहेगी, ठीक है, 1 g/mL मतलब वाटर की डेंसिटी के बराबर ही, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक लीटर सॉल्वेंट का मास ही अपन लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, एक लीटर सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना होगा 1 kg, तो अपन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1000 g अपन लोगों ने सॉल्वेंट लिया है या सॉल्यूशन लिया है, डिवाइडेड बाय उसमें 18 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन है ना भाई, ठीक है, हाँ ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वाटर के ही अंदर है, तो वेपर प्रेशर अपन लोगों को प्योर वाटर का
दे रखा है, और यहां पे जो है आई जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 5 पार्टिकल्स में टूट रहा है 1 मोल से, और ये डिसॉल्व कितना है एस मोल पर लीटर, ठीक है। अच्छा जी, आप देखो यहां पे डेल्टा पी कितना आ रहा है, डेल्टा पी देखो यहां पे कितना आ रहा है, डेल्टा पी आ रहा है आपके पास 31.8 और 31.9, ठीक है। 31.9 में से 31.8 घटाओगे तो कितना आएगा 0.1 अपॉन व्हाट, पीएस कितना है आपके पास, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 31.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एस जो आएगा बेटा, ठीक है, वो आ जाएगा 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18, और ये आपके पास आएगा 1/318, ठीक है, एंड 5, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे तो S की वैल्यू आएगी 0.035, ठीक है, मतलब S आ जाएगा आपके पास 3.5 × 10⁻²⁻ मोल पर लीटर, ठीक है, ये आपका सोल्युबिलिटी आएगा। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है KSP, क्या निकालना है KSP, तो KSP कैसे निकाला जाए भाई, KSP निकालने के लिए अपन लोग लिखेंगे 2s का होल स्क्वायर एंड 3s का होल क्यूब इज इक्वल टू आएगा बेटा 108 s^5, ठीक है। यहां पे आप सॉल्व करोगे तो 108 × 3.5 × 10⁻²⁵, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे है ना, तो ये निकल के आएगा कितना, इसको पूरा सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 5.67 ही आ रहा है सब, ठीक है, × 10⁻², यहां पे 10 होगा और यहां पे 4 आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो 10⁻⁶ रह जाएगा यहां पे, ठीक है। सो 10⁻⁶ जो है, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है, यहां पे बेटा देखो ये ऑप्शन 1, सॉरी यहां पे गलत प्रिंट है, ठीक है, इसको ऑप्शन 1 10⁻⁶ होगा यहां पे, ठीक है। तो 6 जो है आपका, 6 का आंसर होगा फर्स्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन पेपर में आपके करेक्ट है लेकिन यहां पे थोड़ा गलत टाइप हो गया शायद, ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखो, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बात तो सही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है प्योर सॉल्वेंट से कम ही होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ, ये गलत हो गया बेटा, ठीक है। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, ऐसा गलत है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपना फेस चेंज करते हैं तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल सॉलिडिफाई, ठीक है। ए और डी इसके करेक्ट हैं और अपन को क्या बताना है, करेक्टिव भी बताना है, तो देखो ए और डी इसका आंसर आएगा, क्लियर। नाउ बढ़ते हैं आगे, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। देखो रेट ऑफ नाइट्रेशन अगर हम बात करें तो नाइट्रेशन जो है उसमें बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो नाइट्रोनियम आयन जाता है बेटा, नाइट्रोनियम आयन यहां पे एरिनियम आयन बनाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा NO2 आएगा और ये प्लस हो गया और ये H, ठीक है, ये एरिनियम आयन बन गया बेटा। यहां पे जो है पाई बॉन्ड टूटा और एक एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई तो ऑब्वियस यहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन फेवरेबल हो गई और यहां से H प्लस निकल जाएगा और ये यहाँ पे इनके बीच में वापस से बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन ये स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेप स्लो है, हाइड्रोजन का रिमूवल स्लो स्टेप है, H प्लस का रिमूवल, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं अपन से कि C6H6 के नाइट्रीकरण की दर समान होगी प्रायोगिक स्थिति में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। H जो निकल रहा है बेटा वो किस स्टेप में निकल रहा है, स्लो तो ये था ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये फास्ट स्टेप है, ठीक है, ये फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो यहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में H का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं हाइड्रोजन का, तो कहने का ये मतलब हुआ कि
आप चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन लो बेंजीन के साथ C6H6 लो, चाहे आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लो C6D6, ठीक है। यहाँ पे रीडिटरमाइनिंग स्टेप में तो नाइट्रोनियम आयन ही कंबाइन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एच आयन की जगह H+ आयन की जगह D+ आयन रिमूव होगा, तो उसमें भी कोई काइनेटिक पे डिपेंड फर्क नहीं पड़ेगा, रेट एज इट इज रहेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा कि रेट ऑफ नाइट्रेशन जो है नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता अपना, ठीक है। रेट ऑफ नाइट्रेशन, अच्छा कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बात करेक्ट है, क्लियर। सल्फोनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात करेक्ट है बेटा, क्योंकि एरिनियम आयन, ठीक है, सल्फोनेशन जब अपन लोग कराते हैं तो बेसिकली सल्फर ट्राई ऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है SO3, ठीक है, और ये H हो गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये एरिनियम आयन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, ये प्रोसेस जो होता है ना, एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन सल्फर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेवर नहीं करता, ये सिग्मा बॉन्ड इसको फेवर नहीं करता, वैसे भी फेवरेबल नहीं थी, अब बॉन्ड एनर्जी भी कमजोर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कमजोर बन रहा है तो और भी फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ना, ठीक है, इसमें जो है आपका H+ का रिमूवल या SO3 का रिमूवल करीब करीब सेम एनर्जी रखता है, तो ये इस वजह से क्या होता है, ये रिमूवल आसानी से हो सकता है इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा SO3-SO3H, ठीक है, H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर अपन लोग यहाँ पे एक्वस फेस ज्यादा करेंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी आ जाएगी, क्लियर। तो देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में या सल्फोनेशन के केस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जबकि नाइट्रेशन हुआ, ओके, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ, जहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, ठीक है, वो जो होगा क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, जबकि सल्फोनेशन और आयोडिनेशन क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो गलत कौन सा होगा फिर, सल्फोनेशन सिग्मा फॉर्मेशन इज रीडिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, तो ये सिग्मा फॉर्मेशन जो है कॉम्प्लेक्स रीडिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, एक्चुअली क्या है, इसके दोनों ही स्टेप्स जो है करीब करीब सेम एक्टिवेशन एनर्जी के होते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन के केस में पहला एक्टिवेशन एनर्जी हाई है और दूसरा कम है, ठीक है, क्योंकि पहले जो एरिनियम आयन बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड स्टेप की और फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन सल्फोनेशन या आयोडिनेशन के केस में ये ग्राफ जो होता है ना, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरे स्टेप की भी जो एक्टिवेशन एनर्जी है लगभग लगभग क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, बैकवर्ड जा सकता है, ठीक है, रिवर्सिबल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट, तो ये आठवां एग्जाम्पल जो है, आठवें से अपन लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई भाई, है ना। चलो भाई अपन को ये बनाना है साइक्लोहेक्सीन, अपन को दे रखा है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इस पे अपन लोगों को ब्रोमीन चाहिए और OH चाहिए, है ना, और दोनों का ओरिएंटेशन अपोजिट भी चाहिए, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे ब्रोमीनेशन अपन लोग करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमीनियम आयन बनेगा बेटा, ठीक है, और ये CH3 रहेगा। तो अगर हम देखें तो Br- क्या है, रिंग को ओपन करेगा, ठीक है, और रिंग ओपन होगी तो ये दोनों ही ब्रोमीन क्या होंगे, आने वाला जो ब्रोमीन है, ठीक है, अगर ये ऊपर से आया इस तरफ तो ये जो चेन होगी ब्रेक, ठीक है, वो क्या होगी, नीचे से होगी, ठीक है। तो Br- जो आएगा ब्रोमीनियम आयन इसके ऊपर, ठीक है, ये रिंग को ओपन करेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये वाला Br नीचे से आया होगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो ये Br ऊपर से आया होगा, मतलब यहाँ पे ये दोनों ही एंटी ओरिएंटेशन रखेंगे पहले स्टेप में, एनीवेज की फिर फर्दर कोई अपन लोग हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं इस पे, लेकिन अपन लोगों को जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अपन लोग डायरेक्ट एनीवेज करा रहे हैं, तो डायरेक्ट एनीवेज एल्कीन पे कोई रिएक्शन देता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, OH- जाएगा कहाँ, अटैक कहाँ करेगा, ठीक है, समझ बात को, तो ये भी नहीं हो सकता, ओके। BH3 अपन लोग हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं H2O2 OH-, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, क्लियर। बट हाइड्रेशन होगा उसके बाद क्या होगा, HBr की रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे BH3 THF, देखो तो पहला स्टेप जब अपन लोग BH3 डाल रहे हैं यहाँ पे, हम THF यहाँ पे सॉल्वेंट मान के ही चल रहे हैं कि BH3 की रिएक्शन जो हो रही है और NaOH
OH, H2O2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लेस क्राउडेड साइड पे क्या होगा, OH आएगा, ठीक है, ये अपन को पता है। अब इस पे अगर अपन लोगों ने HBr कराया भी तो HBr की रिएक्शन जो है यहाँ पे OH को सब्स्टिट्यूट कर देगी, ठीक है, और अगर SN1 के थ्रू गई तो यहाँ पे कार्बोकैटायन, कहने का मतलब ये है कि डिजायर्ड प्रोडक्ट अपन लोगों को या तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, दो प्रोडक्ट आएंगे इसके, ठीक है, या तो यहाँ पे बनेगा, क्लियर। तो कहने का ये मतलब है कि अपन लोगों को सिर्फ एक Br मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अपन लोगों ने ब्रोमिनेशन कराया तो ब्रोमिनियम आयन जो बना है, अगर वाटर वहां पे सॉल्वेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देंगे, ठीक है, तो HOH जो है आपका रिंग को ओपन करेगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये दोनों अपोजिट ओरिएंटेशन से होंगे, क्लियर, मतलब यहाँ पे HOH अगर नीचे से गया तो Br की जो रिंग ओपन होगी वो ऊपर से हो जाएगी, क्लियर। सो ये Br क्या होगा, ऊपर आएगा और OH जो है अपोजिट ओरिएंटेशन में जाएगा इसका, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये 9 नंबर की प्रॉब्लम हो गई आपकी, बढ़ते हैं 10वीं प्रॉब्लम, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनमें सबसे फास्ट किस पे होगा, तो अपन को पता है बेटा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे मेंस में भी अपन लोगों का इस पे बेस्ड क्वेश्चन था, अपन लोग कोई भी बेस ले रहे हैं, सपोज करो NaO माइनस, तो ये रिएक्शन ArSn2 जो होती है इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन फॉलोड बाई एडिशन फॉलोड बाई एलिमिनेशन होता है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये आपका अटैक करेगा NaO माइनस और साइक्लोहेक्साडाइएनाइल कार्बेनाइन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा F और ये आएगा OMe, ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन स्टेप में क्या हो जाएगा, ये F निकल जाएगा, ओके, अच्छा, तो जो रेडिटरमाइनिंग स्टेप होगा इसमें जो है एरोमेटिसिटी गायब हो रही है और फिर ये एरोमेटिसिटी फिर से रिस्टोर हो रही है, ओके, तो ये OMe आ जाएगा। अब जो साइक्लोहेक्साडाइएनाइल कार्बेनाइन है, इस इंटरमीडिएट की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्ट्रॉन्गली होल्ड कौन कर पाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, फ्लोरीन, ठीक है, सो दैट्स व्हाई अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि फ्लोरीन का रेट सबसे ज्यादा होगा फ्लोराइड के केस में, एराइल फ्लोराइड और फिर एराइल क्लोराइड फिर एराइल ब्रोमाइड, तो ये आंसर आपका क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा अपन लोग पैराग्राफ 1 अब डिस्कस करते हैं, आपको जो डिटेल्स दे रखी हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट कैन चेंज, ये सब कहानी लिखी गई है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब समझते हैं अपन लोग, कुछ नई बात नहीं। यहाँ से एक सॉल्यूशन है M जिसको अपन लोगों ने इथेनॉल और वाटर से अपन लोगों ने मिला के बनाया है, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर इज 0.8, ओके, बाकी सारी आपको डेटा दे रखी है, Kf ऑफ वाटर, Kf ऑफ इथेनॉल, Kb ऑफ वाटर, Kb ऑफ इथेनॉल, ये सारी कहानी आपको दे रखी है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का, प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर, आपको फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का और बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का, ठीक है, ये सब कहानी आपको दे रखी है। अब देखो बेटा इथेनॉल और वाटर को जब मिलाओगे तो इथेनॉल और वाटर दोनों ही लिक्विड फेस में होते हैं, ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा ना, बस यही इस प्रॉब्लम की सबसे जरूरी बात थी, ठीक है, जो समझने जैसी थी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो आगे, इन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव, तो सॉल्यूट को अपन लोगों को नॉन वोलेटाइल लेना है और नॉन डिसोसिएटिव लेना है, तो नॉन वोलेटाइल और नॉन डिसोसिएटिव सॉल्यूशन लेना है अपन को, ठीक है, तो भाई सॉल्यूट कौन है वॉटर और सॉल्वेंट कौन है अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल, तो वो कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन M, ठीक है भाई, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन M जो बना है उसकी मोलालिटी, ठीक है, अब मोलालिटी किसकी होती है भाई, वाटर की, ठीक है, अपन लोग मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में रिलेशन जानते हैं, 1000 × व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये जानते हैं अपन, ठीक है, ओके, अब यहां देखो Kf आपको कितना दे रखा है, Kf आप देखो यहां पे Kf किसका लेंगे अपन लोग, Kf यहां पे इथेनॉल का लेंगे, ठीक है, तो इथेनॉल का Kf आपको कितना दे रखा है 2, ठीक है,
मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन आपको इथेनॉल का एक्चुअली मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे 1000 इनटू, या तो सॉल्यूट कौन है पानी, तो पानी अगर सॉल्यूट है तो उसका 0.2 मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना है बेटा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का आपका 0.8, क्योंकि इथेनॉल सॉल्वेंट है और उसका मोलर मास होता है 46, ठीक है। यहां से आप डेल्टा टीएफ निकालोगे, ठीक है, डेल्टा टीएफ आप जब निकालोगे तो ये आएगा आपका 1000/92, इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो ये 0.2 ये कैंसिल आउट होगा 2, तो 1000/92 बचेगा, ठीक है, और ये आएगा आपका 10.87 के अराउंड, ठीक है, 10.87 के अराउंड आएगा, ठीक है। अब 10.87 के करस्पॉन्डिंग जो है अपन लोगों को जो डेटा दे रखा है, ठीक है, हाँ सॉरी ऑप्शंस कहाँ दे रखे हैं अपन को, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो अपन लोगों को निकालना क्या है, अपन को निकालना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन m, तो m का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ओके, तो m का फ्रीजिंग पॉइंट देखो 10.87 के हिसाब से अपन लोग देखेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का भाई डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ होता है आपका डी नॉट एफ माइनस टीएफ, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे कि भाई डेल्टा टीएफ अगर अपन को पता है तो टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, डी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है, तो डी नॉट एफ अपन लोगों का कितना है, प्योर इथेनॉल का 155.7 माइनस माइनस डेल्टा टीएफ आपको जो दे रखा है वो 10.87 के अराउंड दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये 144.8 के आसपास आता है, तो 144.8 विल बी द आंसर। सो ये आपका 11 नंबर का प्रॉब्लम हो गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन m, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, p नॉट a इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये कब मानना है अपन लोगों को, जब सॉल्यूट को हम लोग नॉन वोलेटाइल मान रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे वेपर प्रेशर को, ठीक है, यहाँ पे अपन मानेंगे कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसके केस में राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट, अब यहाँ पे पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन था भाई, प्योर इथेनॉल जिसका पी नॉट है 40 इंटू एक्स कितना है 0.8, तो आंसर कितना आएगा 32, सो आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, तो 12 का आंसर आ गया फर्स्ट, बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये सब कुछ दे रखा है अपन को, एन आयनिक सॉलिड हैज सम पॉइंट डिफेक्ट बट इट्स एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी इज इक्वल टू द थ्योरेटिकल डेंसिटी, द टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज, ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होती है बेटा, क्योंकि आयन्स या एटम्स अपनी लैटिस साइट से गायब ही होते हैं, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर अपन लोग बात करेंगे तो डेंसिटी वही की वही रहती है, तो आंसर होगा फ्रेंकल डिफेक्ट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट से है, ओके, पैराग्राफ 14, ठीक है, तो 14 की अगर अपन लोग बात करें, रेडियस रेशियो आपको दे रखा है पी प्लस टू और क्यू माइनस का 0.35, तो ऑब्वियस है यहां पे कि कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस का जो रेशियो वो 0.35 है, और 0.35 रेडियस रेशियो जो होगा कैटायन और एनायन का वो क्या होता है बेटा, अगर 0.225 से लेके 0.414 के बीच में है, तो यहां पे क्या होता है, कैटायन किस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को, ठीक है। अच्छा, और साथ में आयनिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पी और क्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, P प्लस टू है तो पी क्यू टू फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को, सिंपल क्यूबिक क्यू और P प्लस टू ऑक्यूपाई द क्यूबिक वॉइड, तो 1:1 का रेशियो आ रहा है बेटा ये तो, ठीक है भाई, ये Q माइनस भी बनाएगा और P प्लस टू भी वन आएगा, ये नहीं होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड P प्लस टू ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर Q 4 हो गया और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं तो P प्लस टू ज्यादा हो जाएगा, और ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा देखो बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर पी प्लस टू, अगर पी प्लस टू को फेस सेंटर्ड दे रहे हैं तो पी प्लस टू कितना आएगा, 4 आयंस पर यूनिट सेल, और क्यू माइनस जो है ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो क्यू माइनस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, तो देखो रेशियो भी सही आ रहा है, तो 1:2 का रेशियो आ गया,
ओके सो आंसर आपका जाएगा 3, ठीक है, 14 का 3 हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो 15वां क्वेश्चन आपका, बोला जा रहा है कि टू बीकर्स आर प्लेस्ड इन अ सील्ड फ्लास्क, बीकर ए इनिशियली कंटेन 0.15 मोल ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है, और 117 ग्राम बेंजीन, बीकर बी इनिशियली कंटेन 31 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड्स, ठीक है, इन 117 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो एट इक्विलिब्रियम बीकर ए फाउंड टू हैव लॉस्ट 7.8 ग्राम वेट, ठीक है, तो 7.8 ग्राम वेट का लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा तो वो कह रहे हैं आइडियल बिहेवियर दोनों सॉल्यूशन का मान लो, ओके, तो फिर अपन को आंसर करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी इज क्लोज टू, ओके, तो मोलर मास फाइंड आउट करना है पहले। तो देखो पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा फ्रेमवर्क कर लेते हैं इसका, ठीक है, आपके पास दो सॉल्यूशन रखे हैं बेटा, ठीक है, एक सॉल्यूशन सॉरी ए है और ये बी है, ठीक है, इसको बेल जार में अपन लोग रख रहे हैं, ठीक है, इसमें देखो दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, और वेपर प्रेशर को सेम रखने के लिए यहां पे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उससे क्या होगा, वेपर्स निकल के अब्सॉर्ब हो जाएंगी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से और फाइनली दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अब अपन लोगों को बोला जा रहा है बीकर ए इज फाउंड टू हैव लॉस्ट, मतलब बीकर ए जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन था, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। बीकर ए जो है उसमें क्या था, 0.15 मोल नेफ्थलीन था, 0.15 मोल नेफ्थलीन, ओके, और उसमें जो है 117 ग्राम बेंजीन था, 117 ग्राम बेंजीन का मतलब आप इसको डिवाइड करोगे उटा 78 से, ठीक है, तो ये आएगा 1.5 मोल बेंजीन, ठीक है, 1.5 मोल बेंजीन। अब इस ए से जो है 7.8 ग्राम बेंजीन, बेंजीन क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, तो उसकी बेंजीन की वेपर्स जो है एस्केप हो गई दूसरे सॉल्यूशन में गई, क्योंकि ये भी बेंजीन का ही सॉल्यूशन है, और इसमें क्या है 31 ग्राम अननोन सॉल्यूट है, ठीक है, 31 ग्राम अननोन सॉल्यूट है, ओके, और इसमें भी 117 ग्राम बेंजीन था, ठीक है, तो मतलब 1.5 मोल बेंजीन था। अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों ही सॉल्यूशन में ए और बी में सेम रहेंगे, ठीक है, ए के अंदर और बी के अंदर, ठीक है, ये रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर अपन लोग देखें यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अपने पास, 0.15, ओके, और यहां पे 1.5 बेंजीन के थे, ठीक है, तो 1.5 है ना, माइनस क्या करोगे 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे मान के चलो x है, ठीक है, और यहां पे कितना हो रहा है बेटा 1.5 मोल प्लस 0.1, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.15 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू x अपॉन 1.6, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा अपने पास, x आएगा आपका 0.15 इंटू व्हाट 16 अपॉन 14 मतलब 8/7, ठीक है। अच्छा तो x की वैल्यू आपको मोलर मास कितना दे रखा है बेटा, मोलर मास आपको दे रखा है कितना दे रखा है, नेफ्थलीन, अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास आपको 31 ग्राम, ठीक है, पता करना है अपन को 31 ग्राम अपन लोगों को इसका मास दे रखा है, अपन को मोलर मास पता करना है बेटा, तो 0.15 इनटू 8/7 कर दिया अपन ने, ठीक है, तो यहां से जो है अपन के पास आंसर निकल के आएगा मोलर मास का 31 इनटू 7/8, तो ये अप्रोक्सीमेटली मोलर मास जब निकालोगे यहां से, ठीक है, तो आप इसको 31 इनटू 7/8 अपॉन 0.15 करना, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आता है 0.15
180.33 के आसपास आता है, दैट इज व्हाट 181, ठीक है। सो 181 इसका आंसर होगा। सो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट जाएगा, क्लियर। सो ये 15 प्रॉब्लम हो गई अपनी, बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि वेट लॉस इज ड्यू टू नेचर ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉल्यूशन डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ सॉल्यूट से तो कोई लेना देना है नहीं है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर अबाउट सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, तो बिल्कुल सही बात है, ये ए और बी के बीच का जो वेपर प्रेशर है वो अलग अलग था, इस वजह से दोनों का वेपर प्रेशर इक्विलेट करने के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है किसी एक कंसर्न डाइल्यूट सॉल्यूशन से एस्केप करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये तो आपको कहानी लिख रखी है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। E1 E2 E1 C भी क्या होता है ये सब अपन को बोला गया है। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन फ्रॉम, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है आपका कौन सा होगा ये अपन को देखना है। तो यहाँ पे शायद एक ऑप्शन हट रहा है, हाँ यस ठीक है ओके। तो यहाँ देखो बेटा E1 CB ऑप्शन आ रहा है, क्लियर। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो है OH अपन लोगों का रिमूव कराना है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा ये कैसे बना होगा, बेस से, बेस सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और एब्सट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन अगर करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन उसके पास मतलब बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर अपन लोग बोलेंगे यहां से बीटा हाइड्रोजन निकल रहा होगा तभी तो क्या है भाई, यहां से आपका जो है OH निकला होगा और यहां से क्या है बीटा H निकला होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके की प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि OH- तो एक पुअर लीविंग ग्रुप है, OH- एक पुअर लीविंग ग्रुप है, तो ऑब्वियस ये हटने से तो रहा इतने आसानी से तो हटेगा नहीं, तो बेस पहले क्या करेगा, बेस पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको H को, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस बनाएगा और ये OH तो ज्यों का त्यों लगा रहेगा, ठीक है। अब ये O- रेजोनेंस स्टेबलाइज था, इस वजह से ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, ये माइनस साइन क्या करेगा, यहां से इसको पुश करेगा, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो अलग चीज है, ओके। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इसको पुश कर देगा OH को और OH- निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि पहले बेस ने क्या करा बेटा, यहाँ पे कार्बन आयन बनाया, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे इसको कंजुगेट बेस, ठीक है, तो जो एसिड था वो ये था, इसका कंजुगेट बेस ये बना, तो इसीलिए और यही गेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि ये जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेट बेस, ठीक है, आपका ये कंजुगेट बेस के रिस्पेक्ट में E1 CB कहलाएगा ये। बढ़ते हैं आगे बेटा, टाइम थोड़ा सा कम है ना, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, 45 प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ETO- की रिएक्शन हो रही है, ETO- बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा और यहां से BR को निकालेगा। अब BR जो है आप देखो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ है, जबकि ETO- का जो एलिमिनेशन होता है E2 एलिमिनेशन होता है और एंटी एलिमिनेशन होता है बेटा एंटी पेरिप्लेनर होता है, ठीक है। तो अगर ये जो है एंटी एलिमिनेशन है तो ऑब्वियस है यहां से तो हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, तो अब जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा कार्बन अगर ये है तो बीटा ये हो गया मिथाइल वाला, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन निकलेगा बीटा हाइड्रोजन बेस इस कार्बन से जो है हाइड्रोजन को निकालेगा बीटा हाइड्रोजन और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नाउ ये तो अपन को पता ही बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सीन को ओजोन के साथ अपन लोग अलाउ करते हैं, ओके, और जो है इसका ऑक्सीडेटिव ओजोन रिलीज करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहां से क्लीवेज होगा और ये दोनों ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है आपके पास COOH और COOH, ये क्या आ जाएगा आपका एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड, ठीक है। नाउ ethene on reaction with MCPBA and CH2Cl2 forms a compound A, which on reaction with CH3MgBr subsequently on hydrolysis. तो ethene की MCPBA से reaction क्या होती है बेटा, ठीक है, MCPBA क्या होता है भाई,
मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, MCPBA जो होता है, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड CO3H, और पर वो बेंजोइक एसिड क्या करता है, यहाँ पे परोक्सी लिंकेज, इसके पास ऑक्सीजन के पास होती है, तो परोक्साइड वाला जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट में आता है एल्कीन के साथ, और अपन को पता है कि ये ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, थ्री मेंबर की, ठीक है, एपॉक्सी रिंग बनाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हो, देखो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हो ना, ठीक है, CH3MgI, तो CH3MgI इस रिंग को ओपन करेगा, और रिंग को ओपन करेगा फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आएगा CH3, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये O- जो था वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आंसर अपना क्या होगा बेटा, CH3CH2CH2OH और एपॉक्साइड रिंग, तो थर्ड आंसर आएगा इसका, ठीक है, देख लेते हैं, थर्ड ही रहेगा, ओके, एपॉक्सी रिंग, ओके, सो थर्ड आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लोगों की, सेक्शन बी आ गए, मोर देन वन टाइप के क्वेश्चंस पे अपन लोगों को बात करनी है, तो मोर देन वन टाइप के क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन है बेटा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, अगर अपन लोग बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन तो जीरो होता है, डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव आएगा जबकि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला अपन लोग जानते ही होंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, माइनस ऑफ एन टोटल इनटू व्हाट, आर समेशन ऑफ, ठीक है, एक्स आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ln of xi। अब ln of xi, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, तो ln का जो वैल्यू निकलेगा बेटा ln of xi का वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स और फॉर अ, तो मतलब इसका आंसर कौन कौन सा हो गया, 1, 2 और 4, ठीक है। Which of the following statements are false for solution of chloroform and acetone? तो chloroform और acetone क्या करते हैं भाई? आपको पूछा जा रहा है कि ये positive deviation show करेंगे या negative deviation show करेंगे? तो chloroform के पास जो acidic hydrogen है वो highly क्या बेटा? इस पर del plus काफी ज्यादा है और इस पर del minus है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों के बीच में जो है ये hydrogen bonding आएगी, ठीक है, hydrogen bonding आएगी तो क्या होगा? सोल्यूशन फॉर्मड इज एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, द सोल्यूशन फॉर्मड इज एन इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव, आइडियल तो नहीं बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन भी शो नहीं करेगा, सोल्यूशन फॉर्म आपको पूछा गया जा रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो फॉल्स तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, सोल्यूशन फॉर्मड इज नॉन आइडियल, बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन के साथ, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, तो ऑब्वियस है ये वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर अपन को फॉल्स स्टेटमेंट देना है, तो आंसर अपन लोगों का जाएगा 1 और 2, आंसर क्या जाएगा बेटा, 1 और 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, यहां पे 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ईच आपको दे रखा है, यूरिया, ठीक है, और Na3PO4, और आपको दे रखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, सभी का 0.1 मोलर है, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर लोएस्ट फॉर यूरिया, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ठीक है, अगर अपन लोग वेपर प्रेशर की बात करें तो डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, पी नॉट इनटू एक्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब रिलेटिवली जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी या मोल ऑफ सोल्यूट होंगे वो सबसे कम यूरिया के केस में होंगे और सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसका सबसे ज्यादा है 5, ठीक है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसका सबसे ज्यादा है और इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना है 4 और इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर है 1, ठीक है, तो अगर सेम मोल्स अपन लोगों ने लिए हैं यूरिया Na3PO4 और Al2SO4 के होल थ्राइस के, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक्चुअली जो प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में वो इसके लिए होंगे, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट के करस्पॉन्डिंग होगा, तो सबसे ज्यादा लोअरिंग वेपर प्रेशर में एल्यूमिनियम सल्फेट की होगी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे डेल्टा पी जो होगा इसमें क्या होगा,
मैक्सिमम और डेल्टा पी इसमें क्या होगा मिनिमम। तो जिसका डेल्टा पी मिनिमम होगा उसका पी क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा और यहां पे डेल्टा पी मैक्सिमम है तो पी क्या होगा बेटा मिनिमम, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, वेपर प्रेशर एंड फीडिंग पॉइंट आर लोएस्ट फॉर यूरिया, यूरिया के लिए तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया ना, तो ये बात आपकी गलत हो गई। वेपर प्रेशर एंड फीडिंग पॉइंट आर हाईएस्ट फॉर यूरिया, ठीक है। तो ऑब्वियस है वेपर प्रेशर की बात, तो यूरिया क्या है डेल्टा पी मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा लेकिन अपन लोग बात कर रहे हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यूरिया के लिए हाईएस्ट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया के लिए हाईएस्ट कब होगा भाई? देखो डेल्टा टी एफ उसका ज्यादा होगा मैक्सिमम, डेल्टा टी एफ मैक्सिमम किसका होगा इसका, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ जिसका ज्यादा होता है उसका टी एफ उतना ही कम होगा बेटा, टी एफ मिनिमम होगा। यहां पे डेल्टा टी एफ क्या रहेगा मिनिमम, डेल्टा टी एफ मिनिमम रहेगा तो टी एफ क्या रहेगा मैक्सिमम, ठीक है, समझ बात को। तो अपन लोगों का जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट ये तो करेक्ट हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका हाईएस्ट एल्युमिनियम सल्फेट का, सही है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हाईएस्ट फॉर एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी से। Which of the following is correct for ideal binary solution of two volatile liquids? ठीक है, तो दो volatile liquids हैं, एक जो है benzene दूसरा toluene। वो कह रहे हैं its vapors always richer in more volatile component, ठीक है, ये बात सही है बेटा। जो vapors होती हैं उसमें richness किसकी आती है भाई, YA अपन लोग निकालते हैं, YA is equal to what P naught A upon P total, ठीक है, into XA, ठीक है। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर पी टोटल हमेशा क्या रहेगा बेटा, अगर पी टोटल जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो पी नॉट है, ठीक है, और जो कम वोलेटाइल होगा उसको पी नॉट भी बोल रहे हैं, तो पी टोटल इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा तो अगर पी टोटल की बात करें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा वन से ज्यादा रहेगी, मतलब वाई ए अपॉन एक्स ए जो आएगा वो पी नॉट ए अपॉन पी टोटल के बराबर रहेगा, मतलब वो ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू वन रहेगा। इक्वल टू तब रहेगा जब कोई प्योर एक कंपोनेंट हो, तो y अपॉन xa जो है आपका वन से ज्यादा रहेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस विल बी ग्रेटर देन द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, ठीक है, ऑफ दैट कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल, यही मतलब हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, लिक्विड विल ग्रेजुअली बिकम रिचर इन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इफ सच अ मिक्सचर इज बॉइल्ड, ठीक है। तो सही बात है, अगर अपन लोग बॉइल करेंगे तो वेपर्स में ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट जाएगा और जो लिक्विड कंपोजिशन होगी उसमें जो है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट की कंपोजिशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पहला आंसर सही है, दूसरा भी सही है। वो कह रहे हैं कि द पीटी ऑफ द एबव सॉल्यूशन विल बी द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट्स, ये तो गलत है बेटा। प्योर कंपोनेंट्स का तो हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, जबकि फॉर्मूला क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो ये गलत हो जाएगा। Boiling point of the solution will be less than that of boiling point of two components, ठीक है। तो boiling point जो होगा solution का वो दोनों component के boiling point से क्या होगा कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है भाई, जो boiling point होगा in between ही होगा ना, ठीक है। तो दोनों components के boiling point से कम होगा, ऐसा तो गलत है, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर जब दोनों के बीच में है वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल के बीच में, वही ग्राफ यही आता है ना, वेपर प्रेशर पी नॉट ए पी नॉट बी और पी नॉट ए, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इन बिटवीन रहेगा, प्रेशर जो आएगा किसी भी कंपोजिशन के लिए इन दोनों के बीच में रहेगा, पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा आप फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन डिसॉल्वड स्टेट, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू एक्स ऑफ गैस, केएच इज हेनरीज कांस्टेंट व्हिच आर करेक्ट, कौन से करेक्ट है इसमें देखो, केएच इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ गिवन अ गैस सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है, एंड हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो देखो भाई KH characteristic constant है for a given solvent or given gaseous system, तो ये बात बिल्कुल correct है बेटा, ठीक है, कि gas और solvent system जो होगा उसके corresponding ही हम लोग K
KH की बात करते हैं, मतलब किसी भी गैस की डिसोल्यूशन हम किस सॉल्वेंट में करा रहे हैं इस पे उसका KH डिपेंड करेगा, हेनरीज कांस्टेंट। अब वो कह रहे हैं हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो वैल्यू ऑफ KH अगर हायर होगी तो सॉल्युबिलिटी गिवन पार्शियल प्रेशर के लिए, अगर P की वैल्यू सेम है गैस की, ठीक है, आप जो है जिस गैस के लिए KH की वैल्यू हाई होगी, बेटा P तो सेम है, तो KH अगर हाई होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी X जो होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, और ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। KH इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, सही बात है, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी इसका मतलब KH बढ़ेगा, ठीक है। KH increases with temperature, ये भी करेक्ट हो गया, मतलब इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 1, 2, 3, 4। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Which of the following is are correct about Fe3O4 crystal? It has inverse spinal structure. तो inverse spinal structure की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, O2 minus, ठीक है, O2 minus Fe plus 2, ठीक है, and Fe plus 3, ये आपके पास आयंस हैं। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में बेटा जो ऑक्साइड होगा वो सीसीपी लैटिस में जाएगा, और सीसीपी लैटिस होगा तो पर यूनिट सेल 4 आयंस आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Fe प्लस 3 जो होगा, ठीक है, वो कितना आएगा, Fe प्लस 3 देखो और Fe प्लस 2 देखो, ठीक है, Fe प्लस 3 कितना होगा और Fe प्लस 2 कितना होगा। Fe प्लस 2 जो डाइवेलेंट कैटायन होता है बेटा वो आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो 1/4 ऑफ, ठीक है, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, तो 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं पर यूनिट सेल सीसीपी में, 4, तो ये आएगा 1, ठीक है। और Fe प्लस 3 जो ट्राइवेलेंट कैटायन होता है वो होता है आपका 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आता है, ठीक है, मतलब अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये आएगा 1/4 × 4 मतलब 1, ठीक है, प्लस 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, Fe प्लस 3 कितना आएगा पर यूनिट सेल 2, ठीक है, तो Fe3O4 जो होता है ना आप जानते भी हो ये मिक्स ऑक्साइड है FeO.Fe2O3 का, ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन होता है। तो अब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, Fe प्लस 2 आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये बात करेक्ट है बेटा, Fe प्लस 2 आयन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये तो इनकरेक्ट हो गया, Fe प्लस 3 आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल, ये भी करेक्ट है, ओके, ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द फेस सेंटर, मतलब सीसीपी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो पहला तीसरा और चौथा इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नाउ अब देखो बेटा ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, फॉर एन SN2 रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और R2, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, स्पेलिंग गलत है यहां पर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ऐसा तो गलत है बेटा, अपन लोग बात करते हैं कि जब अपन लोग लीविंग ग्रुप लीव कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जेड माइनस जो होता है SN2 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही अटैक करता है, ये साइमल्टेनियसली क्या होता है निकल रहा होता है यहां से, ठीक है, और यहां पे जेड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब आंसर करते हैं अपन लोग, तो द रिएक्शन रेट विल डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट, तो ऐसा तो नहीं होगा जो रिएक्शन का रेट होगा आर वो क्या होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल अपोजिट टू द ग्रुप बीइंग डिस्प्लेस्ड, ये बात करेक्ट है बेटा, वोल्डन इन्वर्जन होता है इसमें, जहां से ग्रुप का ओरिएंटेशन होता है लिविंग ग्रुप का उसके जस्ट बैक साइड से एंट्री लेता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अच्छा, तो ये आपका करेक्ट है। द रिएक्शन प्रोसीड्स विद साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चर, ये बात करेक्ट है बेटा, ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ये फॉर्म हो रहा होता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो ये साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन और रप्चर हो रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पे बनेगी, ठीक है। चलो तो फिर ये आपका जो आंसर है इसका दूसरा और तीसरा आंसर करेक्ट जाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
आपको बोला जा रहा है बेटा C5H12 है उसका जो है अपन लोग लाइट क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन मोनोक्लोरीनेशन करा रहे हैं C6H11Cl, सोडियम ईथर के साथ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और सोडियम ईथर के साथ अगर हम लोग बनाए, ठीक है, तो क्या होता है, वुड्स रिएक्शन होती है। तो देखो एक बात तय है कि पांच कार्बन है और एक ही प्रोडक्ट बनाने हैं तो कपलिंग होगी R और R, RBR या RCl की जो है, ठीक है, कपलिंग होगी और R आपस में जुड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई अपन को। चलो तो कहने का ये मतलब हुआ कि अपन लोगों को पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं जिसका सिर्फ एक ही यहां पे फॉर्म हो पाए, ठीक है, प्रोडक्ट। इसका मतलब ये बेटा बीबी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रहा होगा, ठीक है, नहीं तो कपलिंग क्या होती, मल्टीपल टाइम्स आती, ठीक है। तो अगर हम नियोपेंटेन की बात करें, नियोपेंटेन, तो इस पे नियोपेंटेन पे अगर क्लोरीनेशन कराते हैं तो नियोपेंटेन पे क्लोरीनेशन जो होगा वो सिर्फ टर्मिनल कार्बन पे ही हो पाएगा, ठीक है। अब जो है जब इसकी कपलिंग होगी तो कपलिंग होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ठीक है, यही होगा। अब देखो तो आंसर क्या जाएगा इसमें, देखो आंसर अगर मैं चेक करूं तो इसमें ये तो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, ये नहीं हो, बेंटेन नहीं है, है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता आंसर आपका, ठीक है, सिर्फ क्या आएगा बेटा, ए और सी, है ना, ए और सी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर करेक्टली मैच्ड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। एनबीएस क्या करता है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे किस पोजीशन पे होती है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो बेंजीन ये है बेटा, तो इसकी बेंजाइलिक पोजीशन ये है, ठीक है, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करा दिया, ये बात करेक्ट है, ओके। यहाँ देखो अगर हम बात करें इस पे तो हाइड्रेशन करा रहे हो, ठीक है, हाइड्रेशन एल्काइन के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू होता है। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि यहाँ पे अपन लोग जब हाइड्रेशन कराएंगे, ओके, तो हाइड्रेशन जब इस पे करा रहे हैं तो बेंजीन के ऊपर जब हाइड्रेशन होगा तो Hg2+ क्या होगा, कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे पाई, इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ने में मदद करेगा और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और फिर वाटर एंट्री लेता है, यहाँ पे वाटर एंट्री लेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि ये COH बनेगा और CH2, ठीक है, जिसका टॉटोमराइजम होगा और टॉटोमराइजेशन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, COCH3। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये दूसरा आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड बना रहे हैं जबकि अपना प्रोडक्ट आएगा कीटोन, ठीक है। इस ऑप्शन में देखो थर्ड ऑप्शन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, तो अगर अपन लोग इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHSO3 से क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है और एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है दो OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है, यहाँ पे बन थ्री पोजीशन पे आ रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन नाइट्रेशन करा रहे हैं तो नाइट्रेशन क्या होगा, यही पोजिशन सबसे सुटेबल पोजिशन है, ठीक है, या तो ये, ठीक है, ये तो दोनों जो है मेटा पोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसके प्लस एम इफेक्ट से स्लाइटली एक्टिवेट भी हो रहा है ना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, ये तो बेटा दोनों ही बल्कि हैं, तो ये वाला एंड लोकेशन तो क्या है, क्राउडेड है, तो सबसे सुटेबल पोजीशन नाइट्रेशन के लिए यही होगा, तो फोर्थ आंसर इसका होगा, ठीक है। तो मतलब पहला आंसर और फोर्थ आंसर ये ऑप्शंस जाएंगे आपके नाइन्थ क्वेश्चन पे। चलो टेंथ क्वेश्चन देखो, देयर आर थ्री ट्राइब्रोमो बेंजीन हैविंग मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, Which statement is correct? The highest melting isomer has, देखो अगर तीन ब्रोमीन है तो सबसे ज्यादा symmetric जो होगा, ठीक है, वो होगा 135 tri-bromobenzene, पहले तो ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि melting point जो होता है, melting point इस बात पे depend करता है कि molecular symmetry कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा molecular symmetry होगी उसकी solid phase में उतनी effective packing होगी और solid phase में जितनी effective packing होगी उसके according ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब सॉलिड को लिक्विफाई करने के लिए उतनी ज्यादा, ठीक है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें बेटा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट गिव्स आइसोमर
ओनली वन आइसोमर, तो अगर हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 135 पोजीशन पे बीआर है, ठीक है। तो कोई सा भी एक जगह पे नाइट्रेशन कराओ आप, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है आपको, ठीक है। अगर हमने नाइट्रेशन यहाँ पे कराया या यहाँ पे कराया या यहाँ पे कराया, बात एक ही है ना। सो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 124 ट्राइब्रोमोबेंजीन शुड हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये तो गलत है। 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन आइसोमर हैज द क्लोजेस्ट पैकिंग इन द सॉलिड स्टेट, तो ये आपका क्लोजेस्ट पैकिंग है 135 का, क्योंकि मोस्ट सिमेट्रिक है, मोस्ट स्फेरिकल होगा। तो अपन लोगों के पास जो 10 नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका आंसर अपन लोगों ने क्या निकाला, हाँ 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस एंड पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये टर्मिनल एल्काइन दे रखा है, टर्मिनल एल्काइन के ऊपर NaNH2 की रिएक्शन कराओगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन से क्या बनेगा अपन को, CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C-Na+, ठीक है। अब इस पे क्या कर रहे हैं अपन लोग, CH3Br की रिएक्शन करा रहे हैं, तो CH3Br जो है CCH3 आएगा, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, हाइड्रोजनेशन पैलेडियम करा रहे हो, तो हाइड्रोजनेशन पैलेडियम कराओगे तो यहाँ पे आ गया अपना इथाइल, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कार्बन कार्बन दो कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, और ये कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब इथाइल मिथाइल, ठीक है, ये सिन एडिशन होता है हाइड्रोजनेशन का, ठीक है। अगले स्टेप में क्या बोल रहे हैं, एल्कलाइन केमिनोफोर, तो एल्कलाइन केमिनोफोर अगर अपन लोग कराते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन होता है बेटा, सिस एल्कीन पे आपने जो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराया, क्या कराया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे, देखो MeEt, और यहां पे क्या आएगा बेटा, दोनों ही HH सेम साइड रहेंगे और OHOH, सिस के ऊपर सिन हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हो आप। अब ये दोनों ही क्या बेटा, अगर ये सेम OH दोनों सेम साइड पे हैं, आप ये देखो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जितनी संभावना OH की राइट साइड पे आने की उतनी संभावना लेफ्ट साइड पे भी हो जाएगी, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसका एनेंशियोमेरिक पेयर भी जनरेट होगा, ठीक है। हाँ अगर नीचे मिथाइल होता तो ये मेसो कंपाउंड हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका इथाइल है, ठीक है। अब देखो आप ऑप्शन पढ़ो, जेड इज डाइओल, ये बात सही है, जेड जो होगा डाइओल होगा, जेड इज अ मेजो कंपाउंड, ठीक है, तो जेड मेजो कंपाउंड तो नहीं है बेटा, जेड एक डाइओल है, जेड एक रेशमिक मिक्सचर है, ठीक है, और वाई जो है ट्रांस एल्कीन बनेगा, ये तो गलत है। बढ़ते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ एसेंट टू, तो देखो पहले अपन लोग बात करें बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीविंग ग्रुप और जो है जिस कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट पे अटैक होना उस पे डेल प्लस की इंटेंसिटी कितनी है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सी डबल बॉन्डो ग्रुप है बेटा, तो सी डबल बॉन्डो ग्रुप क्या करता है यहाँ पे डेल प्लस की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा देगा, और साथ में इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी उसको स्टेबलाइज कर देंगे, स्टेबलाइज करेगा ये काफी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे SN2, तो अपन लोगों को बिंदास सी डबल बॉन्डो CH2, मतलब ये वाली सिचुएशन जो होती है सी डबल बॉन्डो के जस्ट बाजू वाला अगर लिविंग ग्रुप कैरी कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा तेजी से SN2 रिएक्शन फेवर करता है, तो ये होगा आपका मतलब 4, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे 4 के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन किसका आ रहा है, फिर अपन लोग बात करने बेटा यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, Cl तो ऑब्वियस है, Cl Cl में इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये जो Cl है वो मोर क्राउडेड कार्बन से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो SN2 ज्यादा इस पे होगा। अब इन दोनों की कंपेरिजन करें तो इन दोनों में Br की ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब हम बात करेंगे 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ऑर्डर ऑफ SN1 अपन लोग देखते हैं बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे अज्यूम कर लो आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो सभी में Br है, ठीक है, सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एक Cl है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो लिविंग ग्रुप Br को ही आप देखो, तो इन तीनों ऑप्शन में आप कंपेरिजन करोगे तो पहला करेक्ट है, फिर उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन आएगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन आएगा, फिर Cl और Br में ये दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर है, तो Cl जो है अपन लोग बाद में रखेंगे प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1, 3, 2, 4। अब ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी,
ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या होगा, ये आ गया कार्बोकैटायन, ओके, ये भी कार्बोकैटायन, अगेन यहां पे कार्बोकैटायन, ठीक है, तो 3 तो सबसे पहले नंबर पे नहीं आ सकता बेटा, तो ये तो आप चूज ही नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन पहला और दूसरा तो आंसर करेक्ट हो गया। चौथा और देख लेते हैं, CH3CCl reacts faster in E2 elimination, तो E2 elimination में क्या होता है भाई, E2 elimination में जो लीविंग ग्रुप होता है उसके बाजू वाले कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है बेटा, ठीक है, यहां से एक्स निकल रहा होता है और यहां से बेस क्या कर रहा होता है, एच को निकाल रहा होता है, ठीक है, तो यहां पे आपके पास साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये लीव कर रहा होता है एच 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 और यहां पे आपके पास सी एक्स एक्स, ठीक है, डबल, ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका बी आ गया, ओके, तो ये बॉन्ड बी को होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये बॉन्ड क्या हो रहा था, टूट रहा होता है, सही से ये टूट रहा होता है और ये आपका टूट रहा होता है, ये बन रहा होता है बेटा, ठीक है, ये फॉर्म, ये ब्रेक, ये फॉर्म और ये ब्रेक, ठीक है, तो रेडिटर्माइनिंग स्टेप में बेस और लीविंग ग्रुप, बेस अटैक कर रहा होता है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, तो पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, रेडिटर्माइनिंग स्टेप में बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो लीव कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे KH जो होगा, अगर हाइड्रोजन की जगह बेटा ड्यूटेरियम होता तो बीटा हाइड्रोजन की जगह बीटा ड्यूटेरियम होता तो कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसका रिएक्शन स्लो जाता, तो E2 एलिमिनेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट, तो KH विल बी ग्रेटर देन KD, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सो आंसर क्या होगा, हाँ भाई आंसर इसका जाएगा बेटा 1, 2 और 4, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, 13 नंबर की प्रॉब्लम देखो, 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है आपको, इन विच ऑफ द रिएक्शन करेक्ट मेजर प्रोडक्ट, करेक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा है आपका, NaN3, तो N3 माइनस क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है बेटा और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये SN2 के थ्रू ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल और OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये SN2 के थ्रू जाएगा तो इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, तो कौन सा करेक्ट मेजर प्रोडक्ट है, पहला तो करेक्ट है बेटा, यहाँ पे देखो ये CH2Br है, अगर हम देखें यहाँ पे तो थोड़ी सी क्राउडिंग पीछे है, अच्छा यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि OBr है यहाँ पे, तो साथ में आप हीट करा रहे हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है, अच्छा तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल आएगी, मतलब यहाँ पे एल्कीन आएगा, अब देखो पहला हो गया, तीसरा आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, सी NaNH2 क्या करता है इसमें, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म कैसे जाती है बेटा, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, तो एलिमिनेशन पहले होगा इसमें, तो इसी में समझा दे रहा हूं, NH2 माइनस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, यहां से Br निकलेगा, तो पहले तो आएगा आपका बेंजाइन, ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म ए और ये OM, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्दर इस एल्काइन के ऊपर, ठीक है, बेंजाइन के ऊपर NH2 माइनस अटैक करता है और साथ में जो इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा क्या, कार्बेनाइन, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है और ये कार्बेनाइन आएगा OME, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया बेटा NH2, ठीक है, अब NH2 के पास दो चॉइसेस थी, या तो यहां पे अटैक करता या तो ऊपर अटैक करता, अगर ऊपर अटैक करता तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ये आता इस तरीके से, ठीक है, और OME और NH2 ये आता, ठीक है, अब अगर अपन लोग देखें यहां पे कि जो बेंजाइन है, ठीक है, उससे जो डेवलप हुआ NH2 के अटैक के बाद जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो OME के, भाई OME का जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में है लेकिन वो मेटा पोजीशन से उसका कोई लेन देना नहीं है, वैसे भी इसका कंजुगेशन यहाँ पे इन पाई बॉन्ड के साथ होगा, अब सवाल ये नेगेटिव चार्ज का है, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस वजह से होगी, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे OME का माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा, ठीक है, या ना के बराबर लगेगा, यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसके बाद जो है अमोनिया से या NH3 से ये क्या करेगा, एक एच ले लेगा और फाइनली क्या बनाएगा, फाइनली बनाएगा आपका OME और यहां पे NH2, ठीक है,
समझ में आ गया, बढ़ते आगे। चलो, correctly represents the rate of acid catalyzed hydration of the following alkenes, ठीक है? तो following alkenes की अपन लोग बात कर रहे हैं, इनमें ज्यादा तेजी से एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन किसका होगा? तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जब एल्कीन के ऊपर करते हैं अपन लोग, ऐसे ही समझ लो बस, ठीक है? तो क्या होता है, सबसे पहले H+ क्या करता है, कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से ऐड होता है, ठीक है? और OH आता है, अल्कोहल बनता है। मतलब अब कहने का ये मतलब हुआ यहां पे कि कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा ज्यादा स्टेबल या यहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये तो तय है कि कार्बोकैटायन यहीं बनाएंगे क्योंकि फिनाइल रिंग लगी हुई है यहां पे, ठीक है? तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो ऑब्वियस है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इस पे ही ज्यादा होगा, ठीक है? इसमें देखो बेटा, करेक्टली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर हम बात करें इसमें, दोनों में कार्बोकैटायन तो सेम ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है? दोनों में कार्बोकैटायन सेम ही प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, इंटरमीडिएट के तौर पर, ठीक है? अच्छा, अब सवाल यह है कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, ठीक है भाई, देखो अब थोड़ा सा इसको एनर्जी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये इसका एनर्जी डायग्राम होगा, ठीक है? एक एल्कीन आपको दे रखी है, मतलब दो आइसोमेरिक एल्कीन है, ए और बी मान लो, ठीक है? अब जो बी है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? अच्छा, तो बी जब ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी यहां पे बेटा, और ये जो है फाइनली इंटरमीडिएट दोनों का सेम ही बन रहा है, जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है दोनों का सेम बन रहा है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा किसको चाहिए, जो कम स्टेबल है, जो कम स्टेबल है मतलब ए कम स्टेबल है, ठीक है? तो ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होगी, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होगी वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगी यहां पे। तो कहने का ये मतलब होगा कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, जले हुए रंग की दर ही पूछा है अपन से। अब यहां पे अपन लोगों को बोला जा रहा है कि ऑर्बिटल इंटरेक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स द हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन, ये बात सही है। हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन में जो है अपन लोगों को इसका CH3CH2 पॉजिटिव का बताना, तो CH3CH2 पॉजिटिव, तो CH2 पॉजिटिव जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और इसके पास जो ये सिग्मा CH बॉन्ड होगा, एडजेसेंट सिग्मा CH ऑर्बिटल, ये क्या करता है इसके साथ इंटरेक्शन में जाएगा, जिसको नाथन बेकर इफेक्ट या जो है अपन लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी जानते हैं। तो ये इंटरेक्शन सही शो किया गया है, ठीक है? अब यहां पे ऑर्बिटल इंटरेक्शन विच रिप्रेजेंट्स द हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन, यहां पे अगर हम बात करें तो ये हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन की बात तो नहीं हो रही बेटा, ठीक है? यहां पे ये सिंपल रेजोनेंस है, ठीक है? पीपी ऑर्बिटल का डिलोकलाइजेशन हो रहा है यहां पे, ठीक है? जबकि यहां पे क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, किसके साथ, सिग्मा CH बॉन्ड CH ऑर्बिटल के साथ। तो आपका ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये गलत। तो 14 का जो आंसर आया है वो 1, 2, 3 आया, ठीक है? 14 का आंसर 1, 2, 3। बढ़ते हैं आगे, 15 देखो। 15 में आपको बोला जा रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो यहां पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C R, ठीक है? इस पे आपने जो है लिथियम Nd3 डाला है, ठीक है? तो सबसे पहले तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस अल्काइन को ब्रेक करेगा और बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड सी और ये आर, ये रेडिकल आ गया और ये एनायन, ठीक है? मतलब ट्रांस रेडिकल आयन बनेगा, और ट्रांस रेडिकल एनायन जब बनेगा, ठीक है, तो आगे की कहानी अब करते हैं अपन लोग। ये अब जो है इसके ऊपर जो एनायन है इसके ऊपर जो है Nd3 सॉल्वेंट से जो है ये ड्यूटेरियम ले लेगा, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट ट्रांस रेडिकल एनायन बना, तो अपन का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, ठीक है? यहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा और यहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया, ये ट्रांस एल्कीन बनेगा। अब देखो ट्रांस एल्कीन जो बनेगा इसमें हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ट्रांस एल्कीन के ऊपर सिन एडिशन करा रहे हो आप, ट्रांस, ओके? तो क्या होगा भाई, ये ट्रांस था, इस पे आपने सिन हाइड्रोजनेशन कराया पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, तो यहां पे क्या होगा,
ट्रांस के ऊपर सिन करोगे तो क्या होगा बेटा, एंटी ही आएगा, एंटी आएगा तो यहां पे आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, एच डी और ये डी और एच, ये बनेगा, ठीक है। हाँ, तो अब बोला जा रहा है कि x इज अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर विच एफ जेड कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इसमें से x कौन है, हाँ x जो है आपका ये था, तो ये तो z कॉन्फिगरेशन क्या होगी, ये तो e कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा, ये बात सही है, लेकिन e कॉन्फिगरेशन है। फिर वो कह रहे हैं कि y इज अ मिक्सचर ऑफ टू एनिशियोमर ऑप्टेन बाई सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो y की अगर हम बात करें तो y क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजनेशन के बाद जो है y बन रहा है, तो हाइड्रोजनेशन के बाद ये y बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि टू एनिशियोमेरिक मिक्सचर बनेंगे, ठीक है, मतलब टू एनिशियोमर्स, ठीक है, टू एनिशियोमर्स बनेंगे, क्लियर, ये बात सही है, y क्योंकि ये खुद में ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो यहां पे इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा करेक्ट है, Z is a mixture of four structural isomers, ठीक है, तो Z जो होगा four structural isomers तो नहीं बनेगा भाई, structural isomers की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, Z है क्या आपका, इस पर क्लोरीनेशन करा रहे हो, तो Z क्या बनेगा आपका, CH3CH2Cl बनेगा क्लोरीनेशन कराने पे, एक, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, CH3CHD और ये आएगा आपका सी एच या सी डी सी एल और ए सी एच थ्री, ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ओके, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि यहाँ का डी निकाल दो और एच को रहने दो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, वैसे तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पहले होगा, ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि जेड इज अ मिक्सचर ऑफ फोर स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये गलत है, ठीक है। अब जो है All monochloro isomers are chiral. ये बात करेक्ट है बेटा, जो भी आपके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे, जैसे 1, 2, 3, 4, ये Cl है, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटीरियम है, यहाँ पे ड्यूटीरियम है, तो ये chiral ही होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका। सो 15 का जो आंसर जाएगा वो 2 जाएगा और 4 जाएगा, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ देखो, फिर से एक बेलजार की प्रॉब्लम आ गई अपने पास, 20 ग्राम शुगर है 100 ग्राम वाटर के अंदर और 10 ग्राम शुगर है 100 ग्राम वाटर के अंदर, दोनों को बेलजार के अंदर अपन लोगों ने रखा। बेलजार क्या होता है बेटा, वही अपन का सिस्टम होता है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है, जार होता है बंद, और उसमें क्या है, आपने एक 20 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी, ठीक है, और एक में क्या रखा, 10 ग्राम शुगर और 100 ग्राम पानी, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा कि ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था तो इससे वाटर वेपर्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए। तो यहां पे 20 ग्राम, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों सॉल्यूशंस में इक्वल कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय रेशियो जो रहेगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट का इक्वल कर देंगे। तो यहां पे क्या है देखो, अगर मैं इसको ले लूं ए और इसको ले लूं बी, तो सॉल्यूशन ए में जो रेशियो रहेगा मोल रेशियो किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वही मोल रेशियो किसमें रहना चाहिए, सॉल्यूशन बी में, ठीक है। अच्छा जी, तो अपन लोग बोलेंगे कि यहां पे 20 ग्राम शुगर आपने लिया है तो इसके मोल कितने, 20/342। आपने पानी कितना लिया बेटा, 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, बोल क्या रहे हैं वो कि 100/1 ग्राम वाटर ट्रांसफर हो गया है एक बीकर से दूसरे बीकर में, ठीक है, ए की वैल्यू बताओ। तो मान के चलो मेरे हिसाब से यहां पे अपन लोगों ने 100 ग्राम वाटर था, तो 100 में एक्स अपन लोगों ने पानी इसमें भेज दिया, ठीक है, 100/x × 18, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या बेटा, 10/342 था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया भाई, 100 में से x ग्राम पानी कम हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 18, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया बेटा 2 times, ठीक है। तो यहां से आया 200 - x = -2x = 100+x, तो अपन लोग बोलेंगे कि 3x = what, 300
तो x इज इक्वल टू सॉरी 100 आएगा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 100 बाई 3, कितना आ गया 100 बाई 3, मतलब इतने ग्राम पानी आपका एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो 100 बाई 1 ग्राम का मतलब कितना है 100 बाई 3, दैट इज व्हाट 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर होगा आपका इंटीजर, जो फर्स्ट इंटीजर है इसका आंसर होगा ए की वैल्यू 3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला गया बेटा x ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और डिसॉल्व करा है 1 लीटर के अंदर, जो कि उसमें पहले से ही 0.05 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका 4.92 आ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो इसमें पाई इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोग लगाएंगे, तो पाई इज इक्वल टू अपन क्या रखते हैं बेटा ICRT, ठीक है। अब दो सॉल्यूट इसमें मिले हुए हैं तो अपन क्या लिखेंगे उसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि मोल ऑफ NaCl कितने हैं भाई, मोल ऑफ NaCl है आपके पास 0.05 इंटू 1 लीटर, वॉल्यूम अपन लोग है 1 लीटर ही ले रहे हैं, तो 0.05 इंटू 1, अच्छा NaCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना है 2, ठीक है, अच्छा प्लस आपने यहाँ पे x ग्राम इसके इलेक्ट्रोलाइट के डाले हैं, तो x आपको पता क्या करना है भाई, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो इसका मोलर मास आपको दे रखा है x by 200 आपको मोलर मास दे रखा है, ठीक है, ये आपने इसके इतने मोल लिए और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, ये मोल ऑफ सॉल्यूट्स हो गए अपॉन वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन आ गई बेटा, ठीक है, इनटू व्हाट r की वैल्यू आप लिखोगे 0.0821 इनटू टेंपरेचर आपने लिख रखा है कितना 300 केल्विन, अब पाई इसको 4.92 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 4.92 आपको दे रखा है, है ना। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, अपन लोग क्या करेंगे इसको 4.92 डिवाइडेड बाय आप यहां पे 24.6 करोगे इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 0.1 प्लस x अपॉन 200, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.2, ठीक है, तो x अपॉन 200 आप लोग है तो ये आएगा 0.1 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो आंसर इसका कितना होगा 20, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 3 नंबर प्रॉब्लम देखो, 16 ml एक्वस है, KCl है एक्वस सॉल्यूशन, वाज फाउंड टू रिक्वायर 20 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन व्हेन टाइट्रेटेड यूजिंग K2CrO4 इंडिकेटर, ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा KCl का हमें ये देखना है, अज्यूमिंग इट टू बी 100% आयनाइज्ड एंड मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे KCl सॉल्यूशन का अपन लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोनों के क्या होने चाहिए, मिलीमोल इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि AgNO3 प्लस KCl की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये AgCl बनाएगा प्लस NaNO3, तो मिली इक्विवेलेंट आपके AgNO3 और KCl के इक्वल होने चाहिए, तो अपन लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे कि पहले अपन लोगों को एक्चुअली इसकी मोलरिटी पता चल जाए, क्योंकि मोलरिटी और मोलरिटी इक्वल है तो अपन लोगों को डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाएगा, तो अपन लोग क्या करें पहले इसमें 16 मोलरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन या नॉर्मलिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इनटू 16 इज इक्वल टू व्हाट AgNO3 का कितना है 1 मोलरिटी का 20 ml यूज हो रहा है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 20/16, ठीक है, तो 20/16 मतलब ये आ गया 5/4, That is what? 1 point, कितना हो जाएगा? 1.25, ये आ जाएगा मोलरिटी। अब अपन लोगों को निकालना क्या होता है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा आपके पास Kf into molality, ठीक है? तो Kf into molality, है ना? अच्छा जी, तो Kf into molality 1.25 तो ये हो गया, ठीक है? Kf कितना आएगा? Kf आएगा आपके पास 2 वो बोल रहे हैं अपन को, ठीक है, और KCl के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होता है, KCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है 2, ठीक है, I into Kf into M, तो 2 into 4 ये कितना आ जाएगा बेटा 5, सो डेल्टा Tf कितना आ गया 5 आएगा इसका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 4 नंबर की प्रॉब्लम देखो, आपको बोला जा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर टॉर में दे रखा है आपको मीथेनॉल और इथेनॉल के सॉल्यूशन का, तो ये आपको दे रखा है 119 प्लस 135, इफ x इज द
मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, कंपेरिजन करो इसको, P इज इक्वल टू वॉट, P नॉट ऑफ मीथेनॉल, ओके, P नॉट ऑफ मीथेनॉल माइनस P नॉट ऑफ इथेनॉल, A को मैं मीथेनॉल मान रहा हूं और B को, तो मैं क्या लिखता हूं, एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है। तो एक बात तय हो गई कि यहाँ पे मीथेनॉल का जो वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो कितना होगा भाई, P नॉट B तो आपका इथेनॉल का वेपर प्रेशर है, हमें P नॉट A पता करना है, तो P नॉट A कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है P नॉट A माइनस P नॉट B, P नॉट B कितना आ रहा है, देखो इन दोनों को कंपेरिजन करो तो ये आ रहा है 135, और इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो किसके बराबर है, 119 के बराबर, तो P नॉट A कितना आ रहा है, आप इसको ऐड करोगे तो 135 प्लस 119, ओके, ये आ रहा है आपके पास 254, ठीक है। अच्छा 254, अब वो कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मीथेनॉल इज P नॉट स्क्वायर टॉर, तो P नॉट स्क्वायर टॉर है तो 254 मतलब P नॉट स्क्वायर, क्या करें अपन लोग, P नॉट की वैल्यू कितनी रखें बेटा, ठीक है, ताकि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 254 हो, तो मतलब P नॉट इज इक्वल टू 16 होना चाहिए, 16 256 होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका चौथा हो गया। नाउ पांचवा क्वेश्चन देखो, अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल X4 हैज FCC अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन इट्स सॉलिड स्टेट, इफ गेस्ट एटम A फिल्स हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड द टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर न्यू सॉलिड बिकम्स AXM, ठीक है भाई, तो AXM अपन लोगों का सी, अब जैसे X4 है बेटा वो FCC अरेंजमेंट में है, तो मैं बात करूं कि X4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, X4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल होंगे 4, ठीक है, और जो A एटम आया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ले रहा है, तो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे CCP में, 8, ठीक है, और साथ में ऑक्टाहेड्रल वॉइड सभी ले रहा है, मतलब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये कितना हो गया, A 8 हो गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई A तो 8 हो गया और X4 कितना हो गया, X4 हो गया 4, मतलब यहां पे आ रहा है A 8 X16, ठीक है, दैट मींस व्हाट, A 1 X2, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, अपन से क्या पूछा जा रहा है, AXM, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 2, M की वैल्यू आ गई 2। चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, तो इसको अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, Z अपन को पता करना है, Z इनटू M आपके पास कितना दे रखा है, क्रोमियम का 52/Na, ठीक है, Z into M upon Na upon 2.89 into 10 to the power minus 8 का होल क्यूब, ठीक है, ये मास हो गया, Z into M upon Na upon A cube, और Na की वैल्यू अपन लोग रख देंगे कितना होता, 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ अपन लोग सॉल्व करेंगे, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो Z की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये 2 आती है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D क्या होगा, तो D की अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड बनेगा बेटा A, तो इथाइल ब्रोमाइड होगा आपका ETBr, फिर इस पे आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेन, और प्रोपेन पे क्या होगा, ये तो पता ही होगा ना, ग्रिग्नार्ड CH3MgBr की रिएक्शन कराओगे तो CH3MgBr क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन से जुड़ जाएगा, तो ये प्रोपेन बना, प्रोपेन के ऊपर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमिनेशन प्रोपेन पे जो होगा तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का कपलिंग होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वुड्स रिएक्शन करा रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है आपसे पूछ रहे हैं कि D का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना आ रहा है, D का मॉलिकुलर वेट आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है C6H14, है ना, 12^72, और 72 और 14 कितने होंगे बेटा, 86, ठीक है। अच्छा नाउ नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है, आपको नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है
कि भाई सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी ओ एच है, इस पे अपन लोगों ने क्या करा, एक दो तीन, और यहाँ पे सी ओ एच एन ए एच की रिएक्शन कराई तो सी ओ एन ए होगा, सॉल्ट बनेगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, सी ओ ओ रेडिकल बनेगा, और फाइनली यहाँ पे प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, और प्रोपाइल रेडिकल जो है कपलिंग कर लेगा, और प्रोपाइल रेडिकल से अपन लोगों को क्या मिलेगा, तीन कार्बन ए और तीन कार्बन ए, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, तो टोटल छह कार्बन होंगे, ठीक है। अब इसको ब्रोमिनेशन कराओगे, तो ब्रोमिनेशन कराओगे तो फाइनली अपन लोगों को कहीं पे भी ब्रोमिनेशन कर दो, आपसे कार्बन तो उतने ही रहेंगे, तो कार्बन आपके आएंगे छह, ठीक है। फिर आपको बोला जा रहा है इसमें नेक्स्ट केस में कि भाई यहाँ पे अपन लोग क्या करा रहे हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड पे लिथियम की रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहले क्या बनेगा, ये आपका आर एल आई बनता है बेटा, ठीक है, एल आई बी आर निकल जाता है, ओके। तो यहाँ पे अपन लोगों के पास R Li बनेगा, ठीक है, R माइनस Li प्लस, और फिर उसके बाद CuI से उसको अपन लोग रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बनता है, R2 CuLi, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड R माइनस जो होगा, ठीक है, उसके ऊपर अपन लोग क्या करा रहे हैं, R का स्ट्रक्चर तो अपन को पता ही है बेटा, R का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ठीक है, R इज इक्वल टू R माइनस, है ना। अच्छा, इसके ऊपर C की रिएक्शन करा रहे हैं तो अपन को ये प्रोडक्ट मिल रहा, तो R का स्ट्रक्चर तो अपन का ये शामिल है, ठीक है, तो बाकी जो C होगा वो C क्या होगा, यहाँ पे अपन के पास CH3 है और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप रहा होगा, ओके, कोई भी लिविंग ग्रुप, तो इसमें कार्बन क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए इसमें, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 कार्बन हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 86, अपन लोगों को टोटल सम पूछा है, 86 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है, 6 6 12 7 19, ठीक है, 99 इसका आंसर आएगा, ओके। तो ये सातवां क्वेश्चन हो गया, आठवां क्वेश्चन देखो, आठवें क्वेश्चन में अपन लोग देखें यहाँ पे, तो एक्चुअली क्या होगा, सोडियम ड्राई ईथर के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो एक्चुअली इसको यहाँ पे रेडिकल बनेगा होगा, ठीक है, क्या बनेगा, रेडिकल, ठीक है, और ये कार्बन आपका स्टार वाला कार्बन है, ठीक है। अब ये अपने ही जैसे रेडिकल के साथ, और साथ में आर रेडिकल रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका और ये वाला स्टार आएगा, ठीक है, मतलब जहां पे रेडिकल है वहीं पे आपका, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यही आपका क्या है, आप रेडिकल यहाँ पे आ गया और स्टार यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन जब करेंगे तो यहाँ पे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे बेटा, ये देखो, एक वो जिसमें दोनों ही सिमिलर ये स्टार आ जाए, ठीक है, दूसरा ये है कि भाई ये आपका स्टार यहां पे चला जाए और, ठीक है, ये जो है ना रेडिकल यहां से जुड़े, ठीक है, और ये ज्यों का त्यों रहे, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, यहां पे इस तरीके से, ठीक है। अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, आर है ना, आर के साथ आपका ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, आर के साथ आपका ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, कौन सा, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, फिर आर के साथ आपका आर आ जाए, है ना। तो ये इतने सारे रेडिकल होंगे रिएक्शन मिक्सर में, और इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे रेडिकल कॉम्बिनेशन से, छह प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। सो आंसर इसका कितना आएगा, देखो भाई छह ही आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, ओके। सो आंसर आपका जो है बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 9 नंबर की प्रॉब्लम, अ मेटल एम हैविंग एटॉमिक मास 31.25 क्रिस्टलाइज्ड इन सीसीपी पैकिंग, इट शोस स्कॉटकी डिफेक्ट, इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक लैटिस इज 500 पिकोमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस वन, ठीक है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ मेटल एटम एम मिसिंग पर लीटर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा जी,
तो मेटल एटम जो है कितने मिसिंग हुए हैं, ये मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा ये, क्लियर। बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। ओके, पहले हम देखें कि इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है। एक्चुअल डेंसिटी आ रही है 1.6075, ठीक है, ये डेंसिटी एक्चुअल आ रही है इसकी, ठीक है, 1.6075 ग्राम पर एमएल, ठीक है। और एक थ्योरेटिकल डेंसिटी होगी, बेटा थ्योरेटिकल डेंसिटी जो आएगी, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, मतलब जो आइडियल डेंसिटी आएगी, ठीक है, आइडियल डेंसिटी अपन लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको मेटल दे रखा है, ठीक है, और सीसीपी लैटिस में वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो आप जो है डेंसिटी जब आइडियली निकालोगे तो जेड की वैल्यू रखोगे 4, ठीक है, एम कितना है इसका 31.25 एटॉमिक मास है, तो 31.25 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10^23 करोगे, ठीक है। अच्छा, और एक क्या है आपका एज लेंथ जो दे रखी है वो 500 पिकोमीटर दे रखी है, मतलब अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हुआ 5 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, इसका होल क्यूब, ठीक है। जब आप इसकी आइडियल डेंसिटी निकालोगे तो ये आएगा बेटा 1.67, ये डेंसिटी आइडियल होगी इसकी, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप लोग आइडियल डेंसिटी निकालना। एक एक्चुअल डेंसिटी दे रखी है, ये कितनी है आपको एक्चुअल डेंसिटी दे रखी है 1.6075 ग्राम पर एमएल, 1.6075 ग्राम पर एमएल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे डेंसिटी में डिफरेंस कितना आया स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से, तो डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है, डेल्टा डी अगर इसको बोल दूं तो दोनों का आप देखोगे कि भाई 1.67 माइनस 1.6075, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा बेटा 52 और यहां पे आपका 0. ठीक है, कितना आएगा 0.0625, ठीक है, 1.0 मैंने कैलकुलेट जो करा है, ठीक है, 1. ये आपका 10 5, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे साथ में से एक जाएगा 6, है ना, और ये 0.0625 ग्राम पर एमएल, ये डेंसिटी का डिफरेंस आया, ये क्या आया डेंसिटी का डिफरेंस आया 0.0625 ग्राम पर एमएल, ठीक है। इसका मतलब ये बेटा कि स्कॉटकी डिफेक्ट जो आया है उसके आने की वजह से एक एमएल में कितने मास की कमी आई है 0.0625 की, तो एक लीटर के हिसाब से क्या होगा, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिसिंग पर लीटर है ना, कितने एटम्स मिसिंग पर लीटर है, तो ये एक एमएल के हिसाब से मास लॉस कितना हुआ है, मास लॉस हुआ है 0.0625 ग्राम, ठीक है, तो एक लीटर के हिसाब से कितना होगा, एक लीटर के हिसाब से अपन लोग देखेंगे तो 1000 ml के हिसाब से देखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास लॉस कितना आएगा, इसमें मास लॉस आएगा बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 62.5 ग्राम, ये मास लॉस होगा, ठीक है। अब अपन लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई कितने मोल मेटल एटम मिसिंग होंगे पर लीटर, तो कितने मोल आएंगे बेटा इसमें मेटल एटम का, अपन को मास दे रखा है 31.25, ठीक है, तो 31.25 ग्राम पर मोल, तो मोल कितने मिसिंग हो गए, 2 मोल एटम्स मिसिंग है पर लीटर, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो आंसर आ गया 2। चलो आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपको बोला जा रहा है MgCl2O4 एडॉप्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर, ओके, इन द स्ट्रक्चर डाइवेलेंट केटायन ऑक्यूपाई 1/x पार्ट ऑफ, डाइवेलेंट कौन है, Mg+2, तो Mg+2, ठीक है, आपका 1/x पार्ट ले रहा है, ठीक है, चलो वो तो फिर आगे पढ़ते हैं। ट्राइवेलेंट केटायन ऑक्यूपाई 1/y पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, y/y और 1/x का रेशियो बताओ। अब देखो यहां पे जब MgCl2O4 का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ऑक्साइड आयन जो है सीसीपी लैटिस में आते हैं, कहां पे आते हैं, ऑक्साइड आयन सीसीपी में, तो ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितने हो गए 4। अब फॉर्मूला भी क्या बन रहा है, Mg1Al2O4,
तो O तो 4 ही आ रहा है, तो मतलब Mg2 plus कितना होना चाहिए बेटा 1, ठीक है। और Mg plus 2 कहाँ आ रहा है, 1 by x part of tetrahedral void, tetrahedral void कितने हैं 8, ठीक है। तो 8 का हम कितना हिस्सा करें ताकि जो है अपन लोगों का Mg कितना आ जाए 1 आ जाए, Mg कितना आ जाए 1, ओके। अब एल्यूमिनियम कितना लाना है अपन को, एल्यूमिनियम लाना है 2, एल्यूमिनियम 3 प्लस को लाना है 2, ठीक है। तो और एल्यूमिनियम 3 प्लस है कहां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं 4 भाई, वो यही तो बोल रहे हैं अपन को कि 1 वाई वाई पार्ट ऑफ अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे और इसमें कितना होगा बेटा 1 वाई वाई, ठीक है। मतलब अपन लोग बोलेंगे यहां पे 1 बाई 2 कर दो तो एल्यूमिनियम जाके आएगा 2, ठीक है। तब फॉर्मूला बनेगा Mg1Al2O4, ठीक है। अच्छा अब अपन को ये हो गया 1 बाई एक्स, ठीक है। तो 1 बाई एक्स आपका आ गया 1 बाई 2 और 1 बाई वाई आ गया जो, नहीं गलत कर दिया गया, ठीक है। डाइवेलेंट पहले था ना, हाँ ठीक है। तो अब यहां देखो 1 बाई एक्स आपका आ रहा है 1 बाई 8 के बराबर और 1 बाई वाई आ रहा है 1 बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है अपन से पूछा जा रहा है 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स का रेशियो बताओ। तो 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स का रेशियो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये कितना आएगा 1 अपॉन 2 और ये आएगा 1 अपॉन 8, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा 4, ठीक है। सो एक्स अपॉन वाई जो है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। सॉरी x अपॉन वाई आ रहा है बेटा 4, सही है। सो x अपॉन वाई का आंसर आ गया 4। बच्चों अब इस तरीके से अपन लोगों का आज का जो JEE एडवांस का डिस्कशन था वो पूरा फिनिश हुआ। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को हम लोगों का पूरा टीम एफर्ट, तो उस पर लाइक जरूर कर देना। वीडियो लेक्चर की लेंथ और टाइम बाउंडेशन की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने फास्ट करा है, लेकिन कोशिश मैंने करी है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बाकी के सब्जेक्ट्स के भी अपन लोग वीडियो लेक्चर्स हमारे CLC सीकर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं आपको डेली नोटिफिकेशंस के तौर पे मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे, ठीक है, मोमेंटम में चलती रहे, ओके। और हमारे सिंसियर एफर्ट्स को आप ज़रूर बताएं कैसे आपको लगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।